बज रहे शाम के छह, लेकिन फिर भी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज है ऑफिस का पहला दिन 6 महीने के लॉकडाउन पीरियड के बाद। जी हाँ, 6 महीने बाद आज मैं ऑफिस जाऊँगा दोबारा। हमारा ऑफिस बंद हुआ था मार्च 23 के आसपास। मेरा 4 महीने वर्क फ्रॉम होम चला, लेकिन फिर मेरा वर्क फ्रॉम होम कैंसिल किया कुछ कारणों की वजह से। मेरी तबीयत 4-5 दिन ठीक नहीं थी तो लोगों ने कैंसिल कर दिया, लेकिन आज 6 महीने बाद ऑफिस जा रहा हूँ। एक अलग फीलिंग आ रही है, एक अलग सी थोड़ी सी खुशी, हल्का सा। आई एम गोना मिस हिम वेरी बैडली। चलो भाई, सारी चीजें रेडी हो गई है, अभी रखते हैं इस कैमरे को अंदर। ठना हाँ, वो लेके जा रहा हूँ मैं, उस पर कैमरा लगा के छोटा वाला। भाई गेट पे अंदर एंट्री नहीं है बिना आरोग्य सेतु ऐप के, तो आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करेंगे। फाइनली पहुंच गया भाई, मैं सोचा था जल्दी आऊँगा, स्टेज से जाऊँगा, अलग अलग शॉर्ट्स लूँगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अभी 7:36 हो रहा है और अभी पहुँचा मैं, 8 की शिफ्ट है मेरी। और आज पहला दिन है तो कोई आइडिया नहीं कि कौन है ऊपर कौन नहीं ऊपर। और एक तो मुझे दूसरे प्रोसेस में शिफ्ट कर दिया है, प्रोसेस सेम है लेकिन डिपार्टमेंट दूसरा है, तो दूसरे डिपार्टमेंट की अलग ट्रेनिंग होगी आज। पहले हम फर्स्ट फ्लोर पे थे, अभी 3rd फ्लोर पे बुलाया है। और स्टेज से ही जा रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ थोड़ी एक्सरसाइज होती है, बस बॉडी बाहर निकली है तो थोड़ा एंजॉय करे बॉडी भी, उसको भी थोड़ा फ्रीडम मिले। P1, P2, P3 1st, 2nd, 3rd फ्लोर मस्त 6 फ्लोर का नाइस वर्कआउट हो जाएगा। अभी कब मिलते हैं कब नहीं मिलते कोई आइडिया नहीं, तब तक के लिए स्टेज है। नीचे मस्त खाना पीना खा के आया और अभी थोड़ा घूमा। एक हमें हमारे दोस्त मिल गए थे यहाँ इमरान, जो जा रहा है, तो उसके साथ थोड़ा राउंड मारा और अभी टाइम है ऊपर जाने का वापस। हमें हमारे बच्चू महाराज का फोन आया था घर से, हमने किया था खाना खाने के बाद। हमारा बच्चू महाराज बोल रहा था कि पापा जी आप घर पे हो, आपकी याद आ रही है, आप कब आओगे। लॉकडाउन में एक चीज़ जो बहुत अच्छी हुई, बहुत 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 अच्छी हुई, कि हमें हमारे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला। अभी इतने दोनों बाद मैं भी आया हूँ, मुझे खुशी है कि मैं आया बाहर, थोड़ा घूमने का मौका मिला, थोड़ा काम वगैरह सब वापस शुरू हुआ, लेकिन याद आ रही है बच्चे लोगों की, घर में मेरे घर में सब छोटे छोटे बच्चे हैं तो उन लोगों की याद आ रही है। मेरे बेटे ने मेरे लिए एक मैसेज भेजा है, आई लव यू डैडी। जितनी बार भी सुनो उतनी बार कम पड़ता है, जितनी बार भी सुनो। काम पर तो आ गया हूँ, लेकिन मेरा दिल मेरे बेटे के पास रह गया है, ऐसा लग रहा है मुझे, और उसकी याद आ रही है बहुत ज़्यादा। अभी खाना थोड़ा सादा हो गया है, इसलिए लिफ्ट को साइड में रख के थोड़ा चल के जाना है। बज रहे 5:10 एंडिंग में ऐसी अनाउंसमेंट हुई है भाई, निकलते निकलते कि दिल कर रहा था ये बोलने का कि भाई मारो मारो मुझे मारो। अभी क्या अनाउंसमेंट है आप लोगों को बताता हूं। जिंदगी एक सफर है सुहाना, जहां कल क्या हो किसने जाना। ओ जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहां से हमें राइट को जाना। अरे उड़ली उड़ली यू, उड़ली उड़ली यू, उड़ली उड़ली यू। बज गए सुबह के 6, घर पे पहुंच गया हूँ मैं मस्त फ्रेश फ्रेश होके, कपड़े वपड़े चेंज कर लिए। हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे लोग जो वहाँ पर सोई है, उन लोगों को पिपी शपी भी ले लिए मैंने। दिल एकदम प्रसन्न हो गया, खुश हो गया, बोलो खुश खुश खुश। और हाँ, जो बात मैं आप लोगों को कह रहा था कि ऑफिस में कुछ गड़बड़ हो गई है, जिसके कारण मेरा दिल चिक चिक कर बोल रहा था मारो 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 मुझे मारो, वो गड़बड़ ये है कि हमारे जो ट्रेनर है वो कह रहे हैं कि प्रोसेस की जो ट्रेनिंग है, जो सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग है और सर्टिफिकेशन है, सब के सब आज ही हो जाएगा। यानी आप लोगों के लिए कल और हमारे लिए आज, आज सब के सब हो जाएगा, और दूसरे दिन हमें डायरेक्टली लाइव जाना होगा, डायरेक्ट प्रोडक्शन पे जाना होगा। अब पता नहीं ये सारी चीज़ें कैसी होगी, क्या होगा, होगा नहीं होगा कोई आइडिया नहीं है, लेकिन जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो इसी अच्छे नोट पे बाबा टेक केयर, एक बात हमेशा याद रखने का, लाइफ में चाहे जो भी हो जाए टेंशन नहीं रहने का, फुल ऑन लाइफ चलेगा। बाय बाय।